नमस्कार, मैं आपकी वर्ग शिक्षिका एक बार पुनः आप सबका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम दीर्घ उ की मात्रा वाले कुछ शब्दों का पठन करेंगे। तो देखिए, यह चित्र आपकी हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी के पृष्ठ 16 का है। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखा है दीर्घ उ मात्रा वाले शब्द। तो देखिए, दीर्घ उ की मात्रा अक्षरों में कैसी लगती है। सबसे पहला चित्र है तराजू। त रा जू। उसके बाद है सूरज। सूरज के बाद है फूल। फूल के नीचे है दूध। बच्चों, आप दूध पीते हैं ना? सब बच्चों को दूध रोज पीना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब दूध के नीचे है झूला। देखिए, झ में दीर्घ उ की मात्रा है, ल में आ की मात्रा, तो झूला। झूला के बाद देखिए बच्चों क्या है, कौन सा पक्षी है, पहचाना आपने? कबूतर। जी हाँ, कबूतर, कबूतर। उसके बाद है त्रिशूल। त्र में हस्व ई, श में दीर्घ उ और ल, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद कौन सा फल है? अमरूद। ध्यान दीजिए बच्चों, अ म र में उ और द र अक्षर में उ की मात्रा बाकी अक्षरों से अलग तरह से लगाई जाती है। ध्यान दीजिए, अमरूद। अमरूद के बाद है मूली और मूली के बाद है खरबूजा, मीठा मीठा खरबूजा। तो बच्चों, ये जो शब्द हमने पढ़े ये चित्रों के साथ थे। अब कुछ और शब्द हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। भालू, कालू, कचालू, जून, खून, भूल, झूल, धूल, सूखा, भूखा, आड़ू, झाड़ू, राजू, काजू। बच्चों, पृष्ठ 18 पर भी कुछ और दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द हैं, उनका भी पठन कर लेते हैं। जादूगर, डमरू, तूफान, कबूतर, खजूर, शहतूत, जूता, फूलदान, पूजा, रूखा, रूठा, रूप, शुरू। इन शब्दों में ध्यान दीजिए बच्चों, र में उ की मात्रा कैसी लगी है, इसको ध्यान दीजिएगा और लिखकर अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।